Good evening, students and my dear friends. I welcome you again on my channel Need Booster and I am your Dr. Gagan Gora. Students, प्यारे प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने बात करी थी कि हमें बहुत तेज रिवीजन करने की जरूरत है. पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एक वीडियो अपलोड किया था और मैंने आपको यह भी बताया था कि आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी और फास्ट पढ़ना पड़ेगा और मैं आपको एक टास्क दूंगा. तो आज हम ये शुरुआत कर रहे हैं इस सीरीज की. मैंने बेटा, आप ये समझो कि उल्टा स्टार्ट किया 11th क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी से. हम यूनिट नंबर 5 की बात कर रहे हैं. 11th में 5 यूनिट्स आप अच्छे से जानते हैं, तो हम 5वीं यूनिट से आज शुरू करेंगे. फिर बार बार एक बार बता रहा हूं, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 2020 में नीट देना चाहते हैं या दे रहे हैं. या तो वो 12th के स्टूडेंट्स हैं जिनके 12th के एग्जाम हो चुके हैं, या फिर वो रिपीट करके ड्रॉप करके पढ़ रहे हैं जिन्हें टारगेट के स्टूडेंट्स भी कहा जाता है. तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है. इसमें हम फास्ट रिवीजन की टेक्निक्स बताएंगे. मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर कितनी जल्दी पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है. ये स्टूडेंट्स, ये बच्चे उन लोगों के लिए नहीं है जो 11वीं से भी 12वीं में आए हैं, जो 12वीं क्लास में है, जो अभी 12th में आए हैं या फिर 10 से 11th में गए, उनके लिए नहीं है. अगर हाँ आप वैसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं वीडियो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. अब हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी को कैसे पढ़ना है. देखो बेटा, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप भी किया. मैंने आपको बोला था कि 40 दिन का आप एक शेड्यूल बना लो, 38 चैप्टर है. तो आपने बोला कि सर एक दिन में एक चैप्टर करने का कुछ प्लान बनाइए. बात आपकी सही है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप 5 दिन में 7 चैप्टर करो. तो मुझे भी लग रहा है कि देखो, करना आपको है, मुझे नहीं करना है. ठीक है, तो आपकी सहूलियत के हिसाब से इसको मैं 7 दिन में 7 कर देता हूं. जैसा कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर ह्यूमन फिजियोलॉजी बड़ी है. मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड कि ह्यूमन फिजियोलॉजी बड़ी है, उसको रिवाइज करने में टाइम लगता है. तो इस टारगेट को रिवाइज कर देते हैं. वैसे भी हमारे पास 40 दिन है, 40 दिन में 38 चैप्टर करने हैं, तो टेक्निकली एक चैप्टर के लिए एक दिन तो कम से कम आता है, बल्कि ज्यादा आता है, एक दिन तो आता ही है. तो अब आप 7 दिन में 7 चैप्टर करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आपके सुझावों का स्वागत है, आप ही के लिए मैं ये सब काम बना रहा हूं. तो एक दिन में एक चैप्टर करना है तो 7 दिन में ह्यूमन फिजियोलॉजी के 7 चैप्टर करने हैं आपको. आज मंडे शाम को मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं. तो अब हम 7 दिन का जो टारगेट है उसको भी तोड़ देते हैं बेटा. आज मंडे इवनिंग में ये वीडियो अपलोड हो रहा है आपका, तो आप कल से ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन में 2 चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के. एक आपकी स्लाइड पर डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन है और एक इसके बाद 17th चैप्टर है जिसे ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज कहते हैं. आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं. फिर वेडनेसडे रात को मैं आपको सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन पढ़ने का तरीका बताऊंगा. आज हम लोग शुरू करेंगे डाइजेशन और उसके बाद हम ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज के बारे में जानेंगे. बच्चों एक बात समझ लो, मैं जो आज बताने जा रहा हूं वो मैं ये बताने जा रहा हूं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं. मैं ये नहीं बताने जा रहा हूं कि वो नीट 2020 में आएंगे ही. दुनिया का कोई टीचर ये नहीं बता सकता कि 2020 नीट में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, नहीं बताया जा सकता, इम्पॉसिबल. लेकिन क्या होता है कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बताऊंगा कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो किस किस टॉपिक पर आपको बहुत ध्यान देना है. इसका मतलब ये नहीं है कि वही टॉपिक एग्जाम में आ जाएगा, ध्यान रहे. कभी कभी क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ने ये बता दिया तो आप यही पढ़ेंगे. मान लो मैंने बता दिया कि आप जो है हिस्टोलॉजी पढ़ो एलिमेंट्री कैनाल की, तो बाकी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, बाकी कुछ पढ़ते ही नहीं, बाकी सब छोड़ देते हैं. गलत है ये स्ट्रेटेजी. आपको ये समझना है कि मैं वो बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अवॉइड नहीं करना या इग्नोर नहीं करना है. मैं वो नहीं बता रहा हूं जो नीट 2020 में आने वाला है, ऐसा नहीं होता है, कोई नहीं बता सकता है. हाँ, वो मैं टॉपिक्स बताऊंगा आपको जिनको आपको रिवाइज करते समय बहुत अच्छे से पढ़ना है. क्यों? अगर उसमें कुछ कमजोरी रह गई तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. और ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो मेरा ये विश्वास है, एक बिलीफ है कि आपके मार्क्स एनहेंस हो सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम ये मैं स्टार्ट करता हूं इस सीरीज को. आज मैं डाइजेशन और रेस्पिरेशन बताऊंगा, फिर आपका कल यानी कि ट्यूसडे से टास्क शुरू होगा और वेडनेसडे रात को खत्म हो जाएगा. बेटा 7 चैप्टर जब खत्म हो जाएंगे 7 दिन के बाद, मैं आपको बताऊंगा कि आपको टेस्ट कैसे देना है इस प्लेटफॉर्म से, मेरे चैनल से.
हमारा एक लर्नोवेट नाम से एक चैनल है, रजिस्टर्ड है, उसी के अंदर नीट बूस्टर आता है, तो उस पे आपको जाके देना पड़ेगा, लेकिन वो हम 7 दिन बाद बात कर लेंगे, अभी आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेस्ट कैसे देंगे, आपकी क्वेरीज आ रही है सर टेस्ट कैसे आएगा, तो मैं आपको बता दूंगा, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, आप इधर ध्यान लगाइए। हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से शुरू करते हैं। ये एनसीईआरटी का 16th चैप्टर है बेटा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर क्या क्या हमको देखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रोसीड करना है, ये मैं आपको बता दू। देखो ये बच्चों एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है, ये सबको पता होता है, ठीक है। चैप्टर जब शुरू होता है तो एनसीईआरटी में आपके पास लेफ्ट साइड पर पेज पर ये डायग्राम दिया हुआ है। मैंने इसको थोड़ा ब्लैकिश में दिखाया है ताकि वहां से विजिबिलिटी अच्छी हो, ठीक है। इसको मैंने ग्रे कर दिया है, लेकिन वहां कलरफुल डायग्राम दिया हुआ है। तो ये आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें सारी ग्लैंड सारा का सारा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। देखो एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करते हैं, मैं आज ही बता दूंगा आपको, इसके बाद मैं आपको नहीं बताऊंगा ये वाली चीज, ध्यान से सुनिए। जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करते हैं तो बेटा आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं। देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी से पहले हमें एनाटॉमी पढ़नी होती है। जब हम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो हम पहले एनाटॉमी पढ़ते हैं। एनाटॉमी मतलब एनाटॉमी के साथ साथ एक और सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसे फिजियोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्या लिंक है ये आप समझ लीजिए। और तीसरा एक मैं आज आपको बताऊंगा, अप्लाइड फिजियोलॉजी, एक्चुअली पैथोलॉजी भी बोल सकते थे, फिजियोलॉजी अलग चीज होती है, पैथोलॉजी अलग चीज होती है। मैं आपको समझाता हूं क्या कहना चाहता हूं। देखो एनाटॉमी का मतलब है स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। टोमी वर्ड का मतलब काटना होता है, जब हम बॉडी को काटते हैं, किसी भी ऑर्गन को काटते हैं, और एना का मतलब होता है इंटरनल। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। बेटा आप ये समझो कि एग्जामिनर का माइंड क्या कहता है, एनाटॉमी से ही आप फिजियोलॉजी में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपको ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दिखा रहा हूं, देखो यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है। तो जब हम इसके बारे में इसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं तो उसको एनाटॉमी कहते हैं। और ये काम क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन से डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होते हैं, किस किस चीज का डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। तो सरल भाषा में फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्गन इज फिजियोलॉजी, और उसके स्ट्रक्चर को हम एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। तो अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या है, अगर आप देखोगे हर चैप्टर में ह्यूमन फिजियोलॉजी में लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं। जैसे इस चैप्टर के भी लास्ट में अगर हम जाएंगे तो वहां वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, जॉन्डिस, इस तरह के डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं। तो बेटा ये जो डिसऑर्डर्स हैं इन्हें अप्लाइड फिजियोलॉजी कहा जाता है, एक्चुअली इन्हें पैथोलॉजी भी कहा जाता है। वैसे ज्यादा बेहतर है जब हम मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो इसे पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीज, ठीक है। हम क्यों पढ़ रहे हैं, अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या है, मतलब हम ये देखो एग्जामिनर क्या चाहता है। एग्जामिनर जो भी पेपर बनाता है ना उसका एक बेंड ऑफ माइंड होता है, उसका एक उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। स्ट्रक्चर तो आपको जानना ही है, बिना एनाटॉमी से फिजियोलॉजी में आप आओगे नहीं, लेकिन एग्जामिनर आपसे ये भी जानना चाहता है कि आपने लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ तो लिया, लेकिन उसका एप्लीकेशन हमारे जीवन में क्या है। तो एप्लीकेशन जीवन में क्या है कि हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि पेट साफ नहीं होता, सरल भाषा में उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। डायरिया, डायरिया का मतलब लूज मोशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट इज मोर, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा। वॉमिटिंग, आपके स्टमक में चीज नहीं जा रही, बाहर आ रही है, वॉमिटिंग का सेंटर बैटल ऑफ लोकेटा में होता है। ये सब आपको जानना जरूरी है। यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर बनाता है, क्यों बनाता है, क्योंकि उसको ये जानना होता है कि आपने चैप्टर तो पढ़ लिया, उस चैप्टर में आपने सीखा क्या, रोजमर्रा की जिंदगी में उसका क्या यूज है। ये आप एक बात बताइए, अगर आप ये समझिए कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूओडेनम, जेजुनम, इलियम 3 पार्ट है तो उससे हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है। हमारी जिंदगी में यह फर्क पड़ रहा है कि हमें लूज मोशन हो रहा है, तो हमें पता है कि इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हो गया तभी हमें डायरिया हो गया, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हो गया तभी हमें डायसेंट्री हो गई, ये हमें पता चलता है अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ने से। वो तब पता चलता है जब हम नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। व्हाट इज नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन, और वो हम तब पढ़ते हैं जब एनाटॉमी पढ़ते हैं यानी कि स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं ना, एग्जामिनर आपसे फिजियोलॉजी और उसके बाद अप्लाइड फिजियोलॉजी में क्वेश्चन ज्यादा पूछता है बजाय की एनाटॉमी के। ऐसा नहीं कि एनाटॉमी से नहीं पूछ सकता है,
क्योंकि फिजियोलॉजी और अप्लाइड फिजियोलॉजी में क्वेश्चंस जो है ना वो ऐसे आते हैं कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो एक चीज और कह देना चाहता हूं बेटा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2013 में ये क्वेश्चन आया, 14 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, तो 20 में अब इतने क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में कोई ट्रेंड फॉलो नहीं होता। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्चुअल आते हैं, आपको कितना समझ में आया, आप कितना उसको अप्लाई कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ना कि रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं। वो सीधा पूछेंगे कि गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया तो क्या होगा, अब क्या होगा वो तब पता होगा ना कि जब गॉल ब्लैडर में क्या क्या हो रहा है वो आपको मालूम है। तो मेरे कहने का मतलब है पढ़ते समय इस एस्पेक्ट पे बहुत ध्यान देना है, फिजियोलॉजी और अप्लाइड फिजियोलॉजी, तभी आपका काम बनेगा, तभी आप मार्क्स अच्छे लेके आ पाएंगे। और डेफिनेटली इसके लिए एनाटॉमी पढ़ना तो जरूरी है, ये नहीं कि एनाटॉमी छोड़ देना, मेरी एक एक बात को ध्यान तो सुनो, अगर मैं कुछ कहता हूं तो उसका कुछ मतलब है, ये नहीं है कि आपने एनाटॉमी छोड़ दिया, एनाटॉमी छोड़ दिया तो पढ़ोगे फिजियोलॉजी कैसे समझोगे, फिर कैसे समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं। खैर चलिए, तो वो डायग्राम जो था बेटा मेरे, उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये आपको जो डायग्राम है इसके बारे में सिर्फ आपको देखना है, ये डायग्राम एक बार आप देख लेंगे, इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है, नाइन्थ क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, सिग्मॉइड कोलन, ये कोलन ऐसे सारा, लिवर, इसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियास, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, तो ये सारी चीजें आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा, अब उसके बाद जब यहां पर आते हैं, जब हम यहां पर आते हैं तो डेंटल फॉर्मूला आपको दिखता है, तो आप देखिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे तो दांत की स्टडी करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और जब हम टूथ की स्टडी करते हैं ना बेटा, तो उसी को पढ़ाने में ही मुझे तो दो तीन क्लास लग जाती है, ठीक है, तीन क्लास तो टूथ ही चलता रहता है। लेकिन जब हम रिवाइज करें, देखो जब हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो हम बहुत सारी चीजें उनको छोड़ देते हैं जो हम नोट्स में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि अब समय नहीं है। मैंने क्या कहा, आपको डिटेल में और डेप्थ में जाने का टाइम ही नहीं है। अगर आप कोई भी मेरे नोट्स के आप किसी भी पैकेज को फॉलो करेंगे तो उसमें दांत के बारे में दुनिया भर की चीजें दी हुई है, रेगुलर क्लास में पढ़ाता है, तीन चार क्लास दांत ही पढ़ाते रहते हैं, लेकिन टूथ ही पढ़ाते रहते हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसी को रिवाइज करना है, ठीक है, क्योंकि कम से कम ये तो फटाफट रिवाइज करें, तो उसके लिए आप डेंटल फॉर्मूला, ठीक है, डेंटल फॉर्मूला चाइल्ड का, यानी कि चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला जिसे डेसिडुअस टीथ कहते हैं, मिल्क सेट वाला, और अडल्ट का, ये दोनों चीजें फटाफट से रिवाइज कर लेना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। डेंटल फॉर्मूला पे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, डाइजेशन से यूजुअली दो क्वेश्चन आते हैं, अक्सर दो क्वेश्चन आते हैं डाइजेशन से, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन से कैसे आगे आएगा वो बताऊंगा, इस चैप्टर से दो क्वेश्चन आते हैं। तो ये डेंटल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, पढ़ते समय इसको बहुत अच्छे से देख लेना है। देखो आगे चलते हैं, फिर बेटा ये देखो, ये दिखाया हुआ है, जब भी कोई एनसीईआरटी पढ़ोगे तो किसी भी डायग्राम को इग्नोर नहीं करना, नॉट अ सिंगल डायग्राम, कोई भी डायग्राम है आपको वो पक्का देखना है। ये देखो डायग्राम 1 2 3 4 5 6 7 8 सब लिखा हुआ है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं ना, 1 2 3 4 5 को गायब करके यहां पूछ लेते हैं ये क्या है बताओ, ठीक है, ऐसे भी करते हैं, जैसे चौथा और पांचवा यहां प्री मोलर दिया हुआ है तो ये प्री मोलर को हटा देंगे, पूछेंगे कि 4 5 क्या है, तो एनसीईआरटी तो आपको पता है गीता बाइबल कुरान सब है, तो आपको डायग्राम्स को बहुत अच्छे से देखना है। ये अक्सर सब लोग बोलते भी है, मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि जब हम लास्ट मोमेंट पर रिविजन कर रहे होते हैं ना तो कभी कभी कुछ बातें माइंड से स्लिप हो जाती है, डायग्राम्स को देखना है। और अब आप ये देखिए, ये स्टमक है, ये आप देख सकते हैं, फंडस, कार्डियक बॉडी, पाइलोरस, ये सुपीरियर पार्ट ऑफ ड्यूओडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसोफेगस है, इस डायग्राम को भी देखना है, इतना आपको सिर्फ गो थ्रू करना है जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी जो मैं बोल रहा हूं यहां से बोल रहा हूं, आपको एक दिन में पढ़ना है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप पढ़ रहे होंगे लेकिन फिर भी आप उतना समय निकाल सकते हैं, मार्क माई वर्ड्स कि आप एक दिन में बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं जैसे मैं बता रहा हूं, कभी सोचोगे ये लो हो गया हो गया हो गया पढ़ने पलट दिए, ना 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 ना, वो तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, मैं आपके साथ बैठा तो नहीं हुआ ना, मैं तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है, ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी ऐसे ही जैसे मैं पलट रहा हूं वैसे पलटना शुरू कर दिया तो हो जाएगा काम। बेटा ये देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो अब मैं इसको आपको थोड़ा सा बताता हूं, जरूरी है, ये देखो
हिस्टोलॉजी, इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। हिस्टोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ टिश्यूज। देखो यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि पूरा रास्ता ना स्ट्रक्चर का डाइजेशन का यहीं से निकलता है। तो हिस्टोलॉजी में जैसे बाहर सिरोसा है, फिर मस्क्यूलरिस लेयर है, फिर सब म्यूकोजा है, फिर म्यूकोजा है, ये ल्यूमन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बहुत डिटेल में इसको स्टडी कर लेना बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना आप डायजेशन सीख भी नहीं सकते। इसके बिना आपका पेपर, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आएगा और आगे वाला भी जो पोर्शन है वो भी इसी से रिलेटेड है, इसीलिए अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आगे भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसके ऊपर तवज्जो देके, टाइम देके, बेशक से 40-45 मिनट देके अच्छे से पढ़ना, ठीक है। समय लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन में एक चैप्टर करना मुश्किल नहीं है, बहुत समय है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। तो अब बेटा इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आपका तीन तरह की ग्लैंड्स आते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज और लिवर, ठीक है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो पढ़ना तो सभी कुछ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ सब कुछ पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है, मैं वो बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही वाला चीज है, लिवर पैनक्रियास दोनों। ये पूरा स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए। देखो ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है, गॉल ब्लैडर के बाद फिर आप ये देखो ये डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर है जिसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ये सब आप पढ़ सकते हो, मैं पढ़ाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, पढ़ा नहीं सकता हूँ यहाँ पर, बहुत टाइम लगता है। ये पूरा डायग्राम बहुत अच्छे से देखना है, लिवर गॉल ब्लैडर, क्योंकि इससे एनाटॉमी से ज्यादा फंक्शनिंग पे क्वेश्चन आएगा। जैसे बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दे तो क्या होगा, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स हो जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, अगर लिवर काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा, लिवर के फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। पेनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो वैसे भी आपको जानना चाहिए, आपकी बॉडी का पार्ट है, ठीक है, आप आगे डॉक्टर बनने वाले हैं, इनके बिना तो आप समझ लीजिए कि नहीं पढ़ेंगे तो मानवता खतरे में पड़ जाएगी, डॉक्टर कैसे बनेंगे, ये तो पढ़ना ही है बिल्कुल डिटेल में जाके। अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं बच्चे, देखो ये जो बात मैं आपको कह रहा हूं, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, देखो अब बार बार मैं आपको चीज बता रहा हूं कि फिजियोलॉजी से सवाल ज्यादा आते हैं। अगर कोई मुझसे कहेगा कि आप डाइजेशन से क्वेश्चन बनाओ तो मैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड इनसे क्वेश्चन जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये फंक्शनिंग एस्पेक्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, काम कैसे करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बच्चे लोग पहले मेरी बात समझ लो, जो डाइजेशन पढ़ना है उसे एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना, देखो बाद में पढ़ेंगे। आप ये देखो जब आप एनसीईआरटी देखते हैं यहां पर स्टार्च का डाइजेशन दिखा रखा है, ये देखो अगर हम बात करेंगे स्टार्च का डाइजेशन दिखाया हुआ है यहां पर, फिर आप देखो यहां पर आप देखो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ सब डाइजेशन एक साथ, प्रोटीन का डाइजेशन है, उसके बाद फैट का डाइजेशन है, फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन है, फिर प्रोटीन का डाइजेशन आ गया। क्या कहना चाह रहा हूं समझ रहे हैं आप, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां देखो प्रोटीन का डाइजेशन आधा है, स्टेप वाइज दिया हुआ कि कैसे कैसे हो रहा है, ये देखो फिर ये प्रोटीन, डाइपेप्टाइड्स प्रोटीन होते हैं, ऊपर कार्बोहाइड्रेट है, फिर कार्बोहाइड्रेट है। क्या कह रहा हूं समझो, एक बात समझो, आप मान लो आप एक कुछ चीज खा रहे हैं, मान लो आपने एक आलू खाया, तो अब आलू में कार्बोहाइड्रेट भी है, आलू में जो है फैट भी है, और आलू में थोड़ी बहुत प्रोटीन भी है, और आलू में न्यूक्लिक एसिड भी है। तो जब आप एक पोटैटो खा रहे हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ये थोड़ा कह रहा है कि भाई आप कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर दो, अब प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दो, फैट को डाइजेस्ट कर दो, अब डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट कर दो, नहीं, वो तो आपके स्टमक में जा रहा है, इंटेस्टाइन में जा रहा है, सब कुछ एक साथ डाइजेस्ट हो रहा है, अंदर तो मिक्सर ग्राइंडर चल रहा, ठीक है, अलग अलग डाइजेशन तो नहीं हो रहा। तो एनसीईआरटी ने बिल्कुल वैसे ही बताया जैसे डाइजेशन हो रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे नहीं पढ़ो, ज्यादा बेहतर है, ये बेहतर टेक्निक है कि इसको आप अगर नोट्स से पढ़ेंगे डाइजेशन, अगर आप के पास, मैंने आपको पढ़ाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ाया तो भी अच्छी बात है, आप किसी पैकेज से, इतने सारे इंस्टीट्यूट के पैकेज होते हैं वहां से आप पढ़ सकते हैं, अलग अलग पढ़ो, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वहां से पहले पढ़ोगे तो फिर यहां पर आना, डायरेक्ट यहां पर मत आना, क्योंकि यहां पर जैसे जैसे होता जा रहा है ऊपर से नीचे तक वैसे लिखा हुआ, इसको समझने के लिए पहले आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। मार्क माई वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ लेते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड, तो आपको यहां से एक क्वेश्चन मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं,
दो ही सवाल आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, लेकिन ये पढ़ने से आपको ये फायदा होगा कि जब आप 12th की केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं तो यहां से वहां पर भी रिलेट हो जाता है क्वेश्चन। बहुत बार अक्सर देखा गया है कि केमिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन जो आता है वो इस बायोलॉजी से रिलेटेड पार्ट से आ जाता है, वो यहीं से आता है। हालांकि बायोमोलिक्यूल्स बायो में भी एक चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी है, लेकिन बहुत बार प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को भी वो केमिस्ट्री में डाल देते हैं, तो दोनों जगह पर फायदा है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, याद रखें। फिर ये देखो, ये सारा कुछ है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है बेटा, कैलोरीफिक वैल्यू वाला जो टॉपिक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, मैं आपको बताता हूं यहां पर कैलोरीफिक वैल्यू जो है, अगर हम देखेंगे यहां, देखो ये लिखा हुआ है यहां पर, ये देखो, एक फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट आर 4.1, 5.65, 9.45, और उसके बाद फिजियोलॉजिकल वैल्यू आर 4, 4 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। फिर से बता रहा हूं, ये आपकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है और जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पढ़ लो यहां से, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट आर 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, 9.4 किलो कैलोरी पर ग्राम respectively, while their physiological values are 4, 4 and 9। ये मैं क्यों कह रहा हूं important है, ये इसलिए important है, ये बेटा supplementary में होता था, 3 साल पहले जब NCERT revised edition में नहीं थी तो ये supplementary में था, supplementary NCERT के पीछे होता था, अब इसको main text में ले आए हैं, तो ये बहुत important question है, यहां से सवाल आने की उम्मीद है, ऐसा मुझे लगता है, तो आप इसको पढ़ो अच्छे से। Absorption, फिर देखो, जब आप एब्जॉर्प्शन रिवाइज करेंगे, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, एब्जॉर्प्शन को रिवाइज करने से, अगर आप सीधा एनसीईआरटी से रिवाइज करने लगेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। देखो पढ़ाने का मेरे पास यहां पर अभी समय नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जैसे देखो ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड क्लोराइड आयंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये देखो यहां से पढ़ रहा हूं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज अमीनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयंस आर जनरली अब्सॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, यहां पर सिंपल डिफ्यूजन लिखा हुआ है, ये देखो ये ग्लूकोज लिखा है और ये सिंपल डिफ्यूजन लिखा है, ये ग्लूकोज, ये सिंपल डिफ्यूजन। फिर आप थोड़ी देर में आगे आएंगे तो आप ये देखो यहां पर लिखा है, सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर अब्सॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और थोड़ी आगे जाएंगे तो यहां पर यह लिखा है कि ग्लूकोज इज अब्सॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर डायरेक्ट यहां से पढ़ोगे, ठीक है, अगर डायरेक्ट यहां से पढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे आपने डाइजेशन पढ़ा ना, वैसे आप एब्जॉर्प्शन पढ़ो, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अलग, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट अलग, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट का मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैट एब्जॉर्ब नहीं होता, एब्जॉर्प्शन ऑफ मतलब एंड प्रोडक्ट्स ऑफ, आप ये कह सकते हैं डीएनए एंड आरएनए, सबका डीएनए आरएनए का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, जो एंड प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन है उसको आप अलग अलग से पढ़ो, फिर यहां से पढ़ना। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, डायरेक्ट यहां से मत पढ़ो, क्योंकि क्या है ना, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो जहां से आपने नोट्स बना रखे हैं या फिर जो आपके पास पैकेज है, अलग अलग एब्जॉर्प्शन पढ़ो, फिर यहां पर आओ, फिर आपको बेहतर समझ में आएगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैं बार बार समझा रहा हूं, फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन की फिजियोलॉजी और एब्जॉर्प्शन की फिजियोलॉजी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दिया हुआ टेबल आप देख सकते हैं, इसमें कुछ खास बात नहीं है। फिर मैंने आपको बार बार कहा कि अप्लाइड फिजियोलॉजी से बहुत सारे सवाल आते हैं बेटा, अप्लाइड फिजियोलॉजी का मतलब है कि हमारी जिंदगी में फिजियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है। आपसे आके पेशेंट कल को ये नहीं कहेगा कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन माई स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, या देयर इज सम प्रॉब्लम इन माई स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, या फिर ये नहीं बोलेगा कि हाउ आई थिंक दैट माई स्टमक रिवगे आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ऐसा कोई नहीं कहता है। ठीक है, आपसे तो आके पेशेंट यही कहेगा ना कि उसे जॉन्डिस है, उसे वॉमिटिंग हो गई, ठीक है, उसे डायरिया हो रहा है, उसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसे इनडाइजेशन हो रहा है, तो ये यूज है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने का, ये सारी बीमारियां हैं, इसे वैसे पैथोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ डिजीज, लेकिन कभी कभी हम इसको अप्लाइड फिजियोलॉजी में ले लेते हैं, क्योंकि क्या है ना कि क्या यूज हो रहा है फिजियोलॉजी का,
ह्यूमन बींग के लिए, मैनकाइंड के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन यहां से आता है, वो जो कैलोरीफिक वैल्यू थी ना वो भी ऐसे ही थी, वो भी थी और ये भी है मेरास्मस पीईएम। एक बात बताओ, देश में हमारे प्रोटीन डेफिशिएंसी है बहुत जगह पर, ठीक है, गरीबी अभी भी बहुत ज्यादा है। तो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री की प्रॉब्लम्स तो पूछी ही जाती हैं, क्योंकि हमारा देश इन समस्याओं से जूझ रहा है। इसीलिए क्वाश्योरकर और मेरास्मस और क्वाश्योरकर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी अप्लाइड पार्ट में आता है, अप्लाइड फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी भी कह सकते हैं, वैसे टेक्निकल टर्म में पैथोलॉजी ज्यादा बेहतर है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये बोल दिया क्योंकि इसका क्या यूज हो रहा है फिजियोलॉजी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीईएम से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहां पर ये समरी है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, आपको हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, उसके बाद मैंने आपको बोला कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, उसके बाद आपके पास जो अप्लाइड पार्ट है उसको आप जल्दी पढ़ सकते हैं। ये सब काम आप एक दिन में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखो मैंने सारा चैप्टर कंप्लीट भी कर दिया, कुछ छोड़ा नहीं, और मैंने आपको वो वाले एरियाज भी बता दिए जिनके ऊपर आपको स्ट्रेस देना है, ध्यान देना है, ठीक है। अब हम यहां पर इसको खत्म करते हैं और हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे अब हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज में हमें क्या क्या देखना है, चैप्टर नंबर 17 है। देखो ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज अगर आप चैप्टर देखोगे तो आप ये देखो 17.1 जो है इसमें आपको एक्चुअली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दिए हुए। देखो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जब भी हम ब्रीदिंग सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, ये तीन मेन चैप्टर की बात कर रहा हूं, जब हम पढ़ेंगे तो चैप्टर का नाम देखो आप, पहले चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज भी कह सकते हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम मेनली ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन हमें बाकी एनिमल्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन का भी ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत बार ऐसा हुआ है, आने के चांसेस भी होते हैं, जैसे अगर आप यहां देखेंगे यहां लिखा हुआ है इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, ये देखिए लिखा है स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, ध्यान से सुनो, ये जो मैं थर्ड लाइन देख रहा हूं, इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म एक्सचेंज देयर गैसेस बाय द सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी सरफेस। फिर अर्थवर्म यूज मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब कॉल्ड ट्रेकियल सिस्टम। तो अब ये जो पैराग्राफ आप पढ़ोगे ना, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ने से दो पर्पस सॉल्व होते हैं, ये बात ध्यान से सुनिएगा, दो पर्पस क्या सॉल्व होते हैं। जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें एनिमल किंगडम में अलग अलग एनिमल्स में आने वाले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी होते हैं, मतलब इसमें लिखे हुए हैं। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज, आप एक लिस्ट बनाओ सबसे पहले जिसमें आप एनिमल किंगडम में पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथ, एस्केलहेलमिंथ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइरोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स, उसके बाद प्रोटोकॉर्डेट्स, फिर उसके बाद आप जैसे आगे बढ़ेंगे प्रोटोकॉर्डेट्स के बाद एग्नेथा आता है, एग्नेथा में साइक्लोस्टोम्स, उसके बाद नेथोस्टोमेटा आता है, नेथोस्टोमेटा में पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, ठीक है, पाइसिस और पाइसिस जो है वो सुपर क्लास है, टेट्रापोडा क्लास, टेट्रापोडा सुपर क्लास में, फिर आपके एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स, उसके बाद बर्ड्स और मैमल्स, ये मैंने आपको पूरा एनिमल किंगडम बताया। इसमें जैसे इनवर्टिब्रेट है, फाइलम पॉरीफेरा में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, कैसे ब्रीदिंग होती है, तो आपको लिख लें, आप लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। ऐसे ही निडेरिया में, टीनोफोरा में, प्लैटीहेलमिंथ में, एस्केलहेलमिंथ में, जैसे एनलिडा, एनलिडा में क्यूटेनियस ब्रीदिंग होती है, उसके लिए स्किन मॉइस्ट होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, तो एनलिडा के बगल में लिखें क्यूटेनियस ब्रीदिंग। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में अलग अलग क्लासेस है, जैसे प्रॉन में गिल्स होती है, एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम में प्रॉन दिया हुआ है, प्रॉन में गिल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इंसेक्टा क्लास की बात करेंगे, इंसेक्टा जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर ट्रेकिया होता है, बल्कि काइलोपोडा क्लास, डिप्लोपोडा क्लास और इंसेक्टा क्लास, इन तीनों में ट्रेकिया होता है, तो आप इसे लिख लें। ऐसे ही अरेकिनिडा क्लास में बुक लंग्स होते हैं और बुक गिल्स होते हैं, जैसे स्पाइडर स्कॉर्पियो दिया हुआ, वहां पर स्कॉर्पियो दिया हुआ और एक लिम्युलस भी दिया हुआ एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम में। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट
ब्रीदिंग ऑर्गन या गैसेज एक्सचेंज के लिए कौन से ऑर्गन्स जरूरी हैं, उसकी लिस्ट बना रहे, ठीक है। जैसे मोलस्का में गिल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें टिनिडिया कहा जाता है, तो मोलस्का में मेंटल से भी ब्रीदिंग होती है। एक तो आपने ये लिस्ट बना ली, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉरीफेरा, उसके बाद निडेरिया, उसके बाद टीनोफोरा, प्लैटी हेलमिंथ, एस्केल हेलमिंथ, उसके बाद एलनेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, यहां तक नॉन कॉर्डेट खत्म होता है। इसके बगल में रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी लिखते चले जाएं, जैसे आर्थ्रोपोडा में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, एनिलिडा अगर हम पहले आर्थवॉर्म, उसमें हीमोग्लोबिन होता है और वो डिसॉल्व होता है प्लाज्मा में, आरबीसी नहीं होती है। ऐसे ही मोलस्का, मोलस्का का ब्लड ब्लू होता है, उसमें हीमोसाइनिन होता है। तो जितने आपके फाइलम्स हैं और उसके बाद कॉर्डेट्स में जब आप जाते हैं, उन सारे एनिमल्स और उनके रेस्पिरेटरी पिगमेंट की एक लिस्ट बना लें अपने पास, एक पेपर पे रखें, उसको याद रखें। इससे दो पर्पस सॉल्व होंगे, एक तो इससे एनिमल किंगडम का कनेक्शन हो जाता है और एक ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं, एनिमल फिजियोलॉजी हुआ, उसका कनेक्शन हो जाता है। जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो फिर वो ये भी सोचता है कभी कभी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के बजाय मैं ये पूछ लूं कि प्रॉन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, तो आपको पता है गिल्स है। अब इससे दो चैप्टर कवर हुए, एक तो ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज और एक एनिमल किंगडम, समझे। या फिर वो पूछेगा कि फ्रॉग में कैसी ब्रीदिंग होती है, तो फ्रॉग में तीन ब्रीदिंग होती है, क्यूटेनियस भी होती है, स्किन से भी होती है, बक्कोफेरिंजियल भी होती है, पल्मोनरी भी होती है। अब फ्रॉग में जब क्वेश्चन पूछा तो दो सवाल बन गए ना, एक तो एम्फीबिया का क्वेश्चन बन गया और एक ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज बन गया। तो मेरे कहने का मतलब है ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज दो पार्ट में डिवाइडेड है, एनिमल का ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज, ह्यूमन का ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। तो एनिमल का जो जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो नॉन कॉर्डेटा है चाहे कॉर्डेटा, उन सबकी एक लिस्ट बनाए, उनके सामने रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिखे और उसके सामने रेस्पिरेटरी पिगमेंट लिखे, ये याद रखें। अब जैसे जिसमें नहीं है उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, समझे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां लिखा है स्पॉन्जी सिलेंड्राइड फ्लैटफॉर्म एक्सचेंज विद कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल डिफ्यूजन, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ही नहीं। कारण क्या है, स्पॉन्जेस में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिलेंड्राइड में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्लैटी हेलमिंथ्स में यानी कि फ्लैट फॉर्म्स में ऑर्गन लेवल होता है, तो इनमें सिस्टम्स ही नहीं होते हैं, तो डिफ्यूजन से ही काम होता रहता है, तो इसके बगल में लिखे डिफ्यूजन, ठीक है। जैसे 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 आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, जहां जहां पर पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी लिस्ट बनाए। दो बार 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 बोल रहा हूं, दो चैप्टर कवर हो रहे हैं इससे, एक एनिमल फिजियोलॉजी ये वाला चैप्टर और एक एनिमल किंगडम, तो दोनों को मर्ज करके पढ़ना जरूरी है। पहला पॉइंट तो ये है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज से एक ही क्वेश्चन आता है, वो सिर्फ यहीं से खत्म हो जाता है, इसके आगे बढ़ते ही नहीं, दो भी आ सकते हैं, लेकिन मैं जनरल बात बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि यही आ जाएगा फिर बार बार बोल रहा हूं, ऐसा मत सोचो कि मैं कह रहा हूं यहां से आएगा तो यहीं से आएगा, मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं बस, और कुछ नहीं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी एनाटॉमी है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले एनाटॉमी होती है, उसके बाद फिजियोलॉजी होती है। एनाटॉमी में आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो इसमें ज्यादा समस्या आएगी नहीं, ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लंग्स है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन बिना स्ट्रक्चर के आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये सारा आपको पता होना चाहिए। देखो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखो यहां से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व है। इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं क्या क्या करना है। जब आप ब्रीदिंग की बात करते हैं तो एक सिंपल इनहेलेशन है और एक सिंपल एक्सहेलेशन है। इनहेलेशन मतलब अंदर सांस लेना, एक्सहेलेशन मतलब सांस बाहर छोड़ना। तो एक तो नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन है, एक फोर्सफुल इनहेलेशन है और फोर्सफुल एक्सहेलेशन है। फिर से सुनिए, एक है आपने नॉर्मली सांस लिया, आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल सांस छोड़ रहे हैं, आपको नहीं पता चलता, वो चलता रहता है। एक है जोर से सांस लेना और जोर से सांस छोड़ना। तो इनमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हैं, इसकी भी लिस्ट बनाए। ये वैसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, लेकिन इसकी लिस्ट बना लें, याद रखें। एक साइड पे लिखें नॉर्मल इंस्पिरेशन मसल्स इन्वॉल्व, नॉर्मल एक्सपिरेशन मसल्स इन्वॉल्व, फोर्सफुल इंस्पिरेशन मसल्स इन्वॉल्व, फोर्सफुल एक्सपिरेशन मसल्स इन्वॉल्व। मैंने चार स्टेप बताए, नॉर्मल इंस्पिरेशन मसल्स, नॉर्मल एक्सपिरेशन मसल्स, फोर्सफुल इंस्पिरेशन मसल्स, फोर्सफुल एक्सपिरेशन मसल्स। क्यों, एग्जामिनर जरूर पूछने की कोशिश कर सकता है कि आपको मालूम भी है कि ब्रीदिंग होती है कैसे, कैसे ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। तो अगर आपको मसल्स आपके पास सामने एक चार्ट में बनी होंगी ना, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है।
बार बार कह रहा हूँ बच्चे, इसको मैं बताने लगूंगा ना, समझाने लगूंगा तो मेरा 2 घंटे इसी को समझाने में ही लग जाएंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और स्पायरोमेट्री, टाइडल वॉल्यूम वॉल्यूम, तो मैं नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, तो इस बात को समझे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ये देखो बेटा, ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग दिया हुआ है, इसमें डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल है, तो मैंने बताया ना कि सारे आपको प्रोसेस लिख के उसके साइड में आप लिखते चले जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लिख लेंगे कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। इसमें एनसीईआरटी में फोर्सफुल ब्रीदिंग के बारे में नहीं दिया, देखो यहां पर सिर्फ ये जो प्रोसेस दिया हुआ है, ये जो रिब्स स्टर्नम रेज दिया हुआ है, ये डायफ्राम जो दिया हुआ है, ये सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग है, इसमें कहीं पर भी फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं है। मैंने 4 स्टेप बताए, नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सप्रेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सप्रेशन, इसमें सिर्फ 2 ही है, तो 2 एडिशनल है, तो उसकी मसल्स आपको जाननी चाहिए, नहीं तो आप नोट्स में से देखें, जो मुझसे बड़े मैंने लिखवा रखा है, नहीं तो किसी पैकेज से देखें, हर पैकेज में ये लिखा हुआ बहुत खूबसूरती से, इसे याद रखना है, लिस्ट बनाने। अब बच्चे देखो, अगर हम यहां पर आते हैं, अगर हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात करते हैं, देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। मुझसे अगर आप कहेंगे कि कोई क्वेश्चन बनाए, मैंने ये पिछले साल भी स्टूडेंट्स को बोला था, इसमें से पिछले साल उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, आते भी हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण क्या, रीजन मैं आपको बताता हूं। फिर देखो, चैप्टर को पढ़ते समय अप्लाइड पार्ट सोचना बहुत जरूरी है। कल को आपके पास, आप अगर डॉक्टर बनेंगे तो आपके पास एक ऐसा पेशेंट आएगा जिसको एम्फाइसीमा होगा, सिगरेट स्मोकिंग से एम्फाइसीमा होता है, या उसको ब्रोंकाइटिस होगा, या उसको अस्थमा होगा, तो डॉक्टर्स उसको चेक कैसे करते हैं, चेक उसको करते हैं उसके पल्मोनरी वॉल्यूम्स कैलकुलेट करके, स्पायरोमेट्री टेक्निक को कहते हैं, जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें बताते हैं। तो अब स्पायरोमेट्री एप्लीकेशन हो गया है ना, आप यूज कर रहे हैं ना, फिर देखो मैं बार बार कहता हूं, पेशेंट आके ये नहीं बोलेगा कि टर्शियरी ब्रोंकस में प्रॉब्लम है, या ब्रोंकियोस में प्रॉब्लम है, या माय रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ऐसे थोड़ा कोई बोलेगा। एप्लीकेशन क्या है ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज का, अब बहुत सारे डिजीज, अभी तो आजकल पोल्यूशन कम हो गया है क्योंकि सारा लॉकडाउन है, लेकिन पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे डिजीज होती हैं, ठीक है, वैसे एलर्जी के हिसाब से भी डिजीज होती है, एस्थमा एलर्जिक डिसऑर्डर है, सिगरेट स्मोकिंग से एम्फाइसीमा होता है, कई सारे बच्चों को बचपन से ब्रोंकाइटिस होता है, अडल्ट को भी ब्रोंकाइटिस हो जाता है, कभी कभी सिगरेट स्मोकिंग से होती है, कभी कभी ऑक्यूपेशनल हजार्ड होते हैं सीमेंट की फैक्ट्री में काम करने वालों से, या कई लोगों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, तो ऐसे करके इतने सारे डिसऑर्डर्स हैं। सिगरेट स्मोकिंग तो हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर क्या चेक करेगा, उसकी लंग्स की कैपेसिटी चेक करेगा, पल्मोनरी कैपेसिटीज जिसको बोलते हैं। तो अब ये अप्लाइड पार्ट आ गया, इसीलिए यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है, पूछता जरूर है ऐसे क्वेश्चन। देखो पढ़ना सब कुछ है, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं कि लारिंग्स में 9 कार्टिलेज है जी, 3 वेंट्रल साइड पर है, 6 डॉर्सल साइड पर है, थायराइड कार्टिलेज है जी, उसके बाद क्रिकॉइड कार्टिलेज है, एपिग्लॉटिस है, बैक साइड पर 2 एरिटिनॉइड है, 2 कॉर्निकुलेट है और 2 क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है, तो 9 कार्टिलेज हो गए। अब ये हटने वाली बात है, लेकिन जब हम यहां पर आते हैं तो इसका अप्लाइड पार्ट आ रहा है। देखो मैं बार बार स्ट्रेस डाल रहा हूं, अप्लाइड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन क्या है कि आपको टाइडल वॉल्यूम पता होना चाहिए, आपको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पता होना चाहिए, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पता होना चाहिए, रेसिडुअल वॉल्यूम पता होना चाहिए, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए, अगर आप नीट की तैयारी ना भी करें तो भी पता होना चाहिए, जिन लोगों को बायोलॉजी पढ़नी, मान लो कोई नहीं पढ़ना चाहता, नीट नहीं देना चाहता, वैसे ही बायोलॉजी पढ़ रहा है, बहुत सारे लोग बीएससी भी करते हैं, ग्रेजुएशन भी करते हैं, तो ये तो चीजें वैसे भी मालूम होना चाहिए, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की स्टडी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। तो मेरे बच्चे ये बहुत अच्छे से लिस्ट बना के, इसकी भी एक लिस्ट बना लेंगे आप, देखो जैसे वैल्यूज है, वैल्यूज में एनसीईआरटी को फॉलो करना है, जैसे यहां लिखा है टाइडल वॉल्यूम जो है वो 500 मिलीलीटर है, ये मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, तो लिख ले टाइडल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर, एक लिस्ट बना ले इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो 2500 से 3000 मिलीलीटर, इसकी लिस्ट बना ले, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इतना है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इतना है, इसकी लिस्ट बना ले, साइड में इसके डेटा लिखते जाए। डेटा के मामले में ओनली फॉलो एनसीईआरटी, जैसे देखो कभी कभी क्या होता है ना, ये भी पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि 500 मिलीलीटर टाइडल वॉल्यूम है, ये लिखा है 500 मिलीलीटर, ठीक है, अब यहां 6000 टू 8000 है, फर्क कुछ नहीं पड़ता अगर मैं यहां 7500 भी कर दूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं 6000 से 7500 भी कर दूंगा तो हार्डली मैटर, रेंज है, लेकिन क्या है ना,
हमें एग्जाम क्लियर करना है। तो नीट जो है डेटा के मामले में एनसीईआरटी को फॉलो करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और बात बताता हूं, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1100 मिलीलीटर लिखा हुआ है, आप जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो 1000 से 1200 पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रेंज है, लेकिन यहां 1100 लिखा है तो आपको बिल्कुल पत्थर की लकीर समझनी है कि 1100 ही लिखना है, 1125 भी नहीं होना चाहिए, फर्क कुछ नहीं पड़ता, रेंज है, पर 1100 है तो 1100 ही याद रखना है। रीजन बीइंग हमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमारी यही गीता, यही बाइबल, यही कुरान है, इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यूज के मामले में तो बिल्कुल भी इधर उधर डेविएट नहीं होना है। हाँ, एक बात बता देता हूं, एनसीईआरटी की बुक में कुछ एरर्स भी हैं, गलतियां भी हैं, जो मैं इस चैप्टर में नहीं है, आगे आगे मैं बताता जाऊंगा जहां जहां पर गलतियां हैं, तो वो गलतियों को गलतियों की तरह से ही लेना है, ये नहीं कि एनसीईआरटी में लिखा तो सब सही लिखा है, जहां गलती है, जैसे कि एक जगह पे लिखा हुआ है कि जब एक्सक्रीटरी सिस्टम बताऊंगा तो वहां पोटेशियम आयन की जो है सिक्रीशन होती है पीसीटी में, लेकिन एरो में फिगर में दिखाते हुए रीअब्सॉर्प्शन दिखा दिया, तो जो गलत है वो सब गलत है, ठीक है, ऐसे समझना बहुत जरूरी है। एक जगह पर लोकोमोशन मूवमेंट एंड लोकोमोशन में लिखा हुआ है कि जो ए बैंड होता है उसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों होते हैं, तो उसमें से एक छूट गया, दोनों प्रोटीन होते हैं एक्टिन और मायोसिन, तो एक छूटा हुआ है, तो ऐसी जो एरर्स हैं उन्हें गलतियां मानना है, तो उनको ठीक करके पढ़ना है, ये नहीं कि एनसीईआरटी में लिखा है तो उसको मान ही लेना है, ठीक है। तो ये मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, फिलहाल आप ये देखिए इसकी एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बना के उसके वॉल्यूम्स लिखेंगे। फिर मेरे बच्चे ये इनमें सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी को इंडेक्स ऑफ पल्मोनरी फंक्शन कहा जाता है, मतलब अगर हम ये मेजर कर लेंगे तो बाकी मेजर करने की जरूरत नहीं होती है, इसकी सब कैलकुलेट करने के इंस्ट्रूमेंट को स्पायरोमीटर कहते हैं और टेक्निक को स्पायरोमेट्री कहते हैं, वो सब आप पढ़ सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये टेबल के सारे जितने भी आपके वैल्यूज हैं ये सब आपको कंठस्थ होने चाहिए, यानी याद होने चाहिए, आपके खून में बहने चाहिए, याद होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये डेटा में क्या इंपॉर्टेंस है, ये डेटा से ही आगे सारा कुछ चलेगा, तो ये डेटा वाले जो टेबल है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए डेटा समझेंगे तभी तो ये समझ में आएगा, यहां 104 है, यहां कितना एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ये सब तभी समझ में आएगा। इस पूरे चैप्टर में आपको ये वाला डायग्राम भी काफी अच्छे से स्टडी करना है, गैसेज एक्सचेंज बताता है, मैंने बार बार कहा है एनसीईआरटी में कोई फिगर कोई डायग्राम कैसा भी दिया हुआ है उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि क्या होता है ना उसके डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मान लो इसमें से किसी एक चीज को हटा के यहां से हटा दिया, मान लो यहां पर PCO2 या क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जैसे लिखा है PCO2 40, इसी जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते नीट वाले, ठीक है। कभी कभी जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको हंसी आती है कि ये क्यों आया, लेकिन ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए ना। मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं, 10 में से 7 क्वेश्चन हमेशा आसान आते हैं, सब कर सकते हैं, 8वां 9वां क्वेश्चन जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, और 10वां क्वेश्चन वो डिसाइड करता है कि जिसको नीट पे टॉप करना है। तो उसी थ्योरी से लोग चलते हैं, एग्जामिनेशन जो होता है ना उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर अगर आप जाओगे ना तो बच्चा बोलेगा अरे बायो का पेपर बहुत आसान था, एनसीईआरटी से आया था, सब आता था, क्वेश्चन आता था मेरे बेटे, आंसर नहीं आता था तुम्हें, समझ रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को ऊपर पढ़ते हैं। अच्छा ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ही तो आता है, उसकी चॉइसेस इतनी पास पास होती है ना कि आपको क्वेश्चन को देख के फील गुड फैक्टर हो जाता है, आपको लगता है यार तो हमें आता है, ऊपर से समझ में आ रहा है। और क्या होता है ना, जिन बच्चों की फिजिक्स केमिस्ट्री कमजोर होती है ना उनको क्वेश्चन ही समझ नहीं आता तो आंसर कहां से समझ में आएगा, इसीलिए बायो को ना लगता है सिंपल है, लेकिन सिंपल है भी और नहीं भी, मार्क्स अगर 320, 325, 330 आए तो अच्छा है, 260, 270 आए तो वो सिंपल है, फील गुड फैक्टर है, अच्छा नहीं है, ये बात समझ लेना, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है, मैंने बोला इसको देख लेना, देखो आप इसमें ये बोर्स इफेक्ट है, इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना बेटा, देखो इसमें बोर्स इफेक्ट है, यहां पर इस ग्राफ को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, और कॉपी में देखो ये ग्राफ सिग्मोइड शेप कर्व है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो ये राइट साइड पे शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो राइट साइड पे शिफ्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ती है तो राइट साइड पे शिफ्ट होता है, पीएच कम होता है तो राइट साइड पे शिफ्ट होता है, राइट साइड पे शिफ्ट होने को ही बोर्स इफेक्ट कहते हैं। डिटेल्स में मैं नहीं जा सकता हूं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर आप एक लिस्ट बना लेंगे फैक्टर्स, ध्यान से सुनिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी शिफ्टिंग ऑफ कर्व ऑन द राइट साइड, ठीक है। फैक्टर्स, दो फैक्टर्स हैं, एक तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के बनाने के फैक्टर
और एक ऑक्सीमोग्लोबिन के तोड़ने के फैक्टर, अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको नहीं पता चल रहा होगा, बार बार बोल रहा हूँ। कर्व कैसे शिफ्ट होता है राइट साइड पे, उसके फैक्टर्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो राइट साइड पे शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो राइट साइड पे शिफ्ट होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो राइट साइड पे शिफ्ट होगा, पीएच कम होगा तो राइट साइड पे शिफ्ट होगा, और इसका रिवर्स होगा, जब उल्टा होगा तो सारे काम उल्टे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोहर इफेक्ट कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ कर्व टुवर्ड्स द राइट साइड। इट एक्सप्लेन्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसलिए इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, दी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर यहां पर ये आपका क्लोराइड शिफ्ट है। देखो एक टाइम ऐसा था कि क्लोराइड शिफ्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन लगातार कुछ साल लगातार आए, 5-6 साल लगातार क्लोराइड शिफ्ट, 2 साल तो लगातार ये क्वेश्चन आया। एक रीजनल पीएमटी की बात कर रहा हूं, जिसे दिल्ली में एग्जाम था, दिल्ली पीएमटी कहते थे, क्लोराइड शिफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड हैमबर्गर फिनोमेना। क्यों इतना पसंद आया एग्जामिनर को क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। हैमबर्गर वॉज अ साइंटिस्ट जिसने क्लोराइड शिफ्ट बताया था, लेकिन एग्जामिनर को पसंद आ गया क्वेश्चन तो 2 बार लगातार दे दिया, तो इसीलिए नहीं कह सकते कि क्या क्वेश्चन आएगा। लेकिन हाँ, क्लोराइड शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है। हैमबर्गर फिनोमेना कहते हैं, एक दो बार आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आएगा। वैसे कुछ कुछ पॉपुलर साइंटिस्ट होते हैं, उनको तो पता ही होना चाहिए, अगर आपको हैमबर्गर फिनोमेना क्लोराइड शिफ्ट नहीं कहते हैं, आपको अगर नहीं मालूम तो इसका मतलब आपने पढ़ा ही नहीं है। तो ये क्लोराइड शिफ्ट भी इंपॉर्टेंट है, और ये रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। इसके लिए देखो, जैसे मैंने आपको बोर्स इफेक्ट बताया, इसके लिए आपको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। 3 स्टेप बना लीजिए कि आपका सबसे पहले ब्रीदिंग सेंटर मेडुला ब्लोंगेटा में होता है, इसको आपको ऐसे डिफाइन करना है, रोल ऑफ मेडुला ब्लोंगेटा इन ब्रीदिंग, देन रोल ऑफ पॉन्स वेरोलाई इन ब्रीदिंग। पॉन्स वेरोलाई में न्यूमोटेक्टिक सेंटर होता है। तो देखो, फिर बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको इतना सारी चीज, आपको बता रहा हूं क्या कह रहा हूं। रोल ऑफ मेडुला ब्लोंगेटा अलग से लिखेंगे, मेडुला ब्लोंगेटा का रोल ब्रीदिंग में और रोल ऑफ पॉन्स वेरोलाई, दोनों का अलग अलग रोल है, ठीक है। और एक और लिस्ट बनाएंगे जहां पर लिखेंगे कि ब्रीदिंग रेट बढ़ किससे रहा है और कम किससे हो रहा है। क्या बनाएंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ब्रीदिंग, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से, पार्शियल प्रेशर बढ़ने से, पार्शियल प्रेशर ज्यादा बेहतर है, ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, पीएच के कम होने से ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, इसलिए फीवर में हमें ज्यादा तेज सांस चलती है, और इसके रिवर्स होने से ब्रीदिंग रेट घटता है। तो 2 चीजें बताई मैंने, फिर से आप नोट कर लीजिए, रोल ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा वो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में आ जाएगा, रोल ऑफ पॉन्स वेरोलाई, ये 2 चीजें, और तीसरी चीज कि कौन से फैक्टर्स ब्रीदिंग के रेट को बढ़ा रहे हैं और कौन से फैक्टर्स ब्रीदिंग के रेट को घटा रहे हैं, इसकी अलग से एक फैक्टर्स एक बॉक्स बना के उसको आप लिख लेंगे, उससे आपको फायदा होगा, हैंडी होगा, रिवाइज करने में आसान होगा। और भी एक तरीका आसान है, अगर आप नहीं नोट्स कॉपी में लिखना चाहते तो यहाँ एनसीईआरटी की राइट साइड पे बहुत सारी जगह दी हुई है, ठीक है। जैसे मैं मजाक में कभी कभी सरकारी जगह कह देता हूँ, सरकार ने दी है, वो खाली रहती है आपकी एनसीईआरटी पे, तो वहां पर साइड में लिख लें, ठीक है। ऐसे ऐसे बीच में लाइन डाल के फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ब्रीदिंग, इंक्रीजिंग वाले फैक्टर, डिक्रीजिंग वाले फैक्टर, आसान हो जाएगा, रिवाइज करना आसान होगा। फिर ये देखो बेटा, डिसऑर्डर्स, ये तो मैंने आपको बताया, डिसऑर्डर्स पे हर चैप्टर पे ध्यान देना है, हर ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर पे ध्यान देना है, क्योंकि अप्लाइड फिजियोलॉजी है और ये पैथोलॉजी की तरफ इशारा करती है। एम्फाइसीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिगरेट स्मोकिंग से होता है, आपको बताया टोटल गैसेस एरिया जो होता है ब्रीदिंग का रिड्यूस हो जाता है, ये पढ़ना है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया ऑक्यूपेशनल हजार्ड मतलब जो आपका काम धंधा है, कभी कभी उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है, कोई सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है या कोई कॉटन इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो वहां से जो है लंग्स में सारी चीजें जाती हैं, तो लंग्स के फाइब्रोसिस हो जाता है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड मीन्स द डिसऑर्डर्स विच आर रिलेटेड टू योर ऑक्यूपेशन, यानी कि जो आप जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको लंग की डिजीज हो जाती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस डायरेक्शन में अगर आप पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज में, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एनिमल्स की लिस्ट बनाइए, उनके ब्रीदिंग ऑर्गन्स की लिस्ट और पिगमेंट की लिस्ट बनाइए, फिर उसके बाद जो दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे वॉल्यूम्स, टाइडल वॉल्यूम्स, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम और टोटल लंग कैपेसिटी, इसकी लिस्ट बनाइए, उनकी वैल्यूज लिखिए। उसके बाद बीच बीच में आप पढ़ते रहेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्स इफेक्ट,
फैक्टर्स जो शिफ्ट करते हैं कर्व को, उनकी एक लिस्ट बनाइए, एनसीईआरटी के राइट साइड पे लिखते जाइए क्यों राइट पे कौन कौन से फैक्टर से राइट पे शिफ्ट हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर से लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है। फिर उसके बाद रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता कौन है घटाता कौन है इसकी लिस्ट बनाइए। इस जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना साइड में लिखने को एनसीईआरटी से, इसके दो फायदे होंगे, एक तो अभी आप पढ़ रहे हो, एक जब एग्जाम जब होने वाला होगा उससे दो तीन चार दिन पहले आप सारी बायोलॉजी रिवाइज नहीं कर सकते। आप सोचो कि मान लो आपका तीन दिन बाद एग्जाम है, तीन दिन बाद एग्जाम है तो आप पूरी एनसीईआरटी या पूरे नोट्स अपने उठा के जो आपके इतने मोटे मोटे नोट्स हैं हैवी वेट वो सारे रिवाइज तो कर नहीं सकते। आप जब एनसीईआरटी खोलोगे ना तो जब यहां पर साइड में चीजें लिखी होंगी ना तो वो अपने आप दिखना शुरू हो जाएंगी, आपने खुद लिखी है, जब आप खुद लिखते हो तो आप समझते हो क्यों लिख रहे हो, और जब आप लिख रहे हो तो उससे एक रील की तरह से पूरी जैसे मूवी की तरह होता है ना पूरी पिक्चर अपने आप खुलती चली जाएगी। जैसे कि आपने लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करने से ब्रीदिंग रेट बढ़ता है तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, ठीक है, पीएच रिड्यूस किया तो इसका एसिडिक हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, अपने आप दिमाग में घूमता चला जाएगा एक तरह से ना, इसको माइंड मैप कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं माइंड मैप क्या होता है। व्हाट इज माइंड मैप? एक बहुत बड़ा सा पेज लो, A4 साइज का जैसे पेज होता है, मान लो मैं आपको दिखाता हूं, ये आपका पेज है, इसके ऊपर अब आपको वही चीजें लिखनी है ना जो जो आप भूल जाते हो। देखो ह्यूमन माइंड होता है, भूलने की टेंडेंसी हर व्यक्ति में होती है, भगवान ने हमें भूलने का वरदान दिया, मैंने आपको बोला क्लास में भी, कोई दर्दनाक घटना हो जाती है ना वो आदमी भूल जाता है, ठीक है, इसलिए ध्यान भगवान ने के भूल जाए ताकि कोई दर्दनाक घटना कोई हादसा अगर हो गया तो दिमाग को 24 घंटे वो दिमाग में परेशानी करता रहेगा, इसलिए भगवान ने कहा बेटा भूल जाओ, और हमने पढ़ाई बोलना शुरू कर दी, ये उसका साइड इफेक्ट किया। तो मैं आपको बताता हूं माइंड मैप, व्हाट इज माइंड मैप? इट इज मैप ऑफ योर माइंड। जैसे कि आजकल आप गूगल पे मैप देखते हैं तो आप इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं ऐसे करके आप मैप बनाते थे, माइंड मैप बनाइए, एक वाइट पेपर लीजिए, ठीक है, वैसे एनसीईआरटी के साइड में लिखेंगे तो और भी बढ़िया है, नहीं लिखना चाहते हैं पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को ऐसे रगड़ रगड़ के बिल्कुल काला कर करके उसके अंदर छेद कर दिया होता है, तो उनके लिए एक व्हाइट पेपर लीजिए और इस पे जो मैंने बातें बताई है वो बना के रखिए, इसे अपने हॉस्टल में या घर में ऐसे दीवार पे चिपका दीजिए, रोज देखें, नहीं तो अपने जेब में फोल्ड करके रखें, निकाल के पढ़ें, देखो ये आपको लगेगा ये थोड़ी बचकानी बात है लेकिन बचकानी नहीं है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, करके देखिए। ऐसे करके अगर मान लीजिए आपके पास 15-20 पेपर भी होंगे या 5-7 पेपर आपकी दीवारों पे लगे भी होंगे, उसे रोज पढ़ेंगे तो ऐसी चक्कर दिमाग में रहेगा, ठीक है, इसे माइंड मैप कहते हैं, क्विक रिविजन के लिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बेटा आप सारी चीजें नहीं पढ़ पाओगे, इट इज इम्पॉसिबल कि लास्ट के 3 दिन में आप सारी चीजें पढ़ लोगे, ठीक है, इसीलिए जो है फटाफट पढ़ने के लिए या जो चीजें भूल जाते हो उसमें आप वो भी लिख सकते हो जिसमें आपको कंफ्यूजन, ठीक है, हर आदमी का माइंड मैप अलग है, क्योंकि आपका माइंड है तो दूसरे के माइंड में थोड़ा मिल सकता है। मान लो मेरे माइंड मैप पे मैंने 4 चीजें लिखी, दूसरे बच्चे ने उसको फोटो स्टेट करा लिया कि सर ये देखो माइंड मैप है, पगला बच्चे, मेरा माइंड अलग है, मैं कुछ और बोलता हूँ तुम कुछ और बोलते हो, सेम कैसे हो सकता है? जब दो लोगों का माइंड ही अलग है तो माइंड मैप भी तो अलग होगा ना, दिस इज योर पर्सनल थिंग, ये आपकी अलग से पर्सनल थिंग है, इसे अपने पास संभाल के रखे, करके देखिएगा, फायदा होगा मेरे हिसाब से तो होता है, और अगर वैसे ही आपको याद हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिए एंट्रेंस एग्जाम में 2 चीजें बहुत जरूरी है, स्पीड और एक्यूरेसी, ठीक है, स्पीड आपकी टेस्ट कर करके आती है और एक्यूरेसी तब आती है जब आपको बहुत अच्छे से चीजें याद होती हैं, सही समय पर लास्ट मोमेंट पर चीज याद आ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 1.5 महीना पहले या 6 महीने पहले अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा था, आप इसके ऊपर परफेक्शन अगर आपने कर लिया और लास्ट मोमेंट पर याद नहीं आई जिस दिन आप एग्जाम लिख रहे हैं तो सब कराया बर्बाद है। इसीलिए राइट मूवमेंट पे उस समय पर जब आप एग्जाम लिख रहे हैं तो चीज याद आना क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका एक ही तरीका है, अच्छे से समय लगा के पढ़ो, रिवीजन प्रॉपर करो, बार बार पढ़ो, दीवार पे चिपका दो, अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, दीवार पे चिपका रहेगा तो आप रोज देखेंगे उसको, रोज देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो बेटा 2 आपके पास दिन है, ये मंडे अब रात को मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूं, कल ट्यूसडे है, ठीक है, कल से आपका ये टास्क शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी है, सारा कुछ पढ़ना होता है आपको, आप जानते हैं, लेकिन जितना आपके पास समय है उसमें कल आप ट्यूसडे को डाइजेशन पढ़ेंगे, वेडनेसडे को आप रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज पढ़ेंगे, वेडनेसडे रात को मैं 9:30 बजे एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको
सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन बताऊंगा। हम लोग 7 दिन में 7 चैप्टर खत्म करेंगे। जब 7ों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, 7वां दिन रात को मैं आपको टेस्ट दूंगा। वो हमारा एक चैनल का प्लेटफॉर्म है learnovate.com, ठीक है, वो आपको मैं बता दूंगा, बताता भी रहूंगा। learnovate.com में आप जाके ये टेस्ट ले सकते हैं वहां से, तो आपको आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है। अच्छे से पढ़ो, 2 दिन में बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। जैसे मैंने ऐसे स्क्रॉल करके पढ़ाया ऐसे नहीं पढ़ना है, ओ अच्छा ये हो गया, चलो ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ना ना ना, ये गलत तरीका है। तो मेरे पास समय नहीं है बताने का, 1.5 घंटे में मैं आपको जो बातें जल्दी जल्दी बता सकता था वो मैंने बताई। पढ़ना आपको 1 दिन में जितना आपने बायोलॉजी के लिए टाइम अलॉट कर रखा है उसमें आप आराम से पढ़ सकते हो। अगर आप समय देके भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अच्छे से पढ़ना और जो मैंने चीजें बताई उसको दोबारा से फोकस देके पढ़ना, अटेंशन देके पढ़ना। अब हम मिलेंगे वेडनेसडे रात को, उसी बीच में वेडनेसडे रात को मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगा, एक ये और एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो आगे जारी रहेगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, योर टास्क स्टार्ट्स नाउ।